Welcome to Ranjita's videos. Mormoromor Satra Satri Ajitumalaka part of Panchatantra Dusra part Panchatantra Pathor Tumalaka Prosnota Divole Ulaisu Tumalaka video skip Nokoraka Saba Logote Notun Yahisazadis and subscribe Koritoitiba Notun Notun video Tumalaka notification Paitakiba Avias Mala Number 1 Nimna Lihita Prosnoke Uttar Liho তোমালকে প্রশ্ন কিতাবৰ পৰা সাবা তোমালোকক উত্তৰ মই দেখাই দি আছো ঠিক আছে নাম্বাৰ 1 আৰ 1 এনসারত লিখিবা ৰাজা অমৰ শক্তি মহিলা ৰূপ্য ৰাজ্যকে ৰাজা থে নাম্বাৰ 2 উত্তৰত লিখিবা ৰাজা অমৰ শক্তিকে পুত্ৰকে নাম কিয়া কিয়া থে ৰাজা অমৰ শক্তিকে পুত্ৰকে নাম বসু শক্তি उग्र शक्ति और अनंत शक्ति नंबर 3 उत्तरत राजकुमार महामूर्ख निकम्मे नालायक और आलसी थे नंबर 4 उत्तरत लिखिबा राजकुमार गुरुओं को चालाकी से डरा धमका कर भगा देते थे कुमार नंबर 5 पर उत्तरत लिखिवा मंत्रियों ने राजकुमारों को पढ़ाने के लिए गुरु विष्णु शर्मा के नाम का प्रस्ताव किया नंबर 6 पर उत्तरत लिखिवा विष्णु शर्मा ने 6 महीने के भीतर ही राजकुमारों को पंडित बनाने की प्रतीक्षा की नंबर 7 पर उत्तरत लिखिवा गुरु के व्यवहार से राजकुमार आचार्य चकित हुए क्योंकि गुरु ने उन्हें मित्र कहकर संबोधन किया विष्णु शर्मा ने किस तरह इतने कम दिनों के भीतर राजकुमारों को ज्ञानी बनाया विष्णु शर्मा ने एक-एक कहानी ने राजकुमारों को मंत्रमुक्त कर दिया कहानी के भीतर की नीति शिक्षाओं से राजकुमारगण राजनीति समाज नीति अर्थनीति आदि के ज्ञानों से पुष्ट हो गए लिखिबा नंबर 9 र उत्तरत लिखिबा विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई नीति शिक्षा पर आधारित कहानियों को 5 भागों में विभक्त किया गया है नंबर 10 उत्तरत लिखिबा पंचतंत्र की कहानियों के 5 भेद ये है मित्र भेद मित्र प्राप्ति मित्र लाभ काको लुकिया और अपरिचित कारकम पंचतंत्र के लेखक कौन है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है नंबर 2 संक्षिप्त उत्तर दो तुमलकक म उत्तर देखाई दिया सु किताब ठीक असे नंबर 2 वनर उत्तरत लिखिबा राजा अमर शक्ति बहुत ही ज्ञानी दयाशील और तानी राजा थे नंबर 2 उत्तरत लिखिबा राजा के तीनों पुत्र महामूर्ख थे पढ़ाई के नाम से भागते थे निकम्मे नालायक और आलसी भी थे इसीलिए राजा को दुख था कि उनकी मृत्यु के बाद राज्य का क्या होगा प्रजाओं को कौन पालेगा बोले डारे दीबा ठीक है से नंबर 3 उत्तरत लिखिबा मंत्रियों ने राजा को विष्णु शर्मा नामक पंडित के बारे में बताया कि हमें विश्वास है कि थोड़े ही दिनों में राजकुमारों को ज्ञानी और योग्य बना सकेंगे लिखे लिखिबा नंबर 4 उत्तरत लिखिबा ने बताया कि राजकुमारों को राजयोग्य बनाने की खातिर वे धन दौलत सब कुछ देने को तैयार है राजा की बात सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा महाराज मैं लोभी नहीं हूं और मुझे इन चीजों में कोई या लोके लिखी नाम ही
त्याग दुंगा लैके लिखिबा ठीक আছে नम्बर फाइवर उत्तर लिखिबा विष्णु शर्मा जी पहले कमरे में पधारे और मुस्कुराकर कहने लगे मित्रों सुनो मैं दरअसल तुम्हें शिक्षा दान हेतु नहीं आया और इस उम्र में तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं इसलिए मैं यह तय किया है कि हम सिर्फ बातचीत करेंगे पर यहाँ नहीं चलो उस पेड़ के नीचे खुली हवा में बैठे। विष्णु शर्मा कहानियाँ सुनाने लगे और तीनों राजकुमार ध्यान लगाकर सुनने लगे। इस तरह विष्णु शर्मा जी ने राजकुमारों को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया बोली लिखिबा। परसवा आशा स्पष्ट करो महाराज मैं लोभी नहीं हूँ और मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है 80 साल की इस उम्र में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। उत्तरत अमर शक्ति की धन दौलत की बात से विष्णु शर्मा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा महाराज मैं लोभी नहीं हूँ और मुझे इन चीज़ों में कोई नहीं है 80 साल की उम्र में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। विद्यार्थियों का जीवन गढ़ना मेरा फर्ज बनता है अतः तो मैं या लोके तुम लोग लिखीबा दूंगा लोके लिखी दारे दीबा ठीक है। नंबर टू सुआ माँ राजा अमर शक्ति के तीनों पुत्र महामूर्ख निकम्मे नालायक और आलसी थे इसी कारण से राजा दुखी रहते थे कि हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा। कौसवा क अंश के साथ ख अंश को मिलाओ विष्णु शर्मा पंचतंत्र लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ बुढ़ी आयर खादु वाल्मीकि रामायण शंकरदेव कीर्तन घोषा। भाषा अध्ययन विपरीतार्थक शब्द लिखो गुण अवगुण उग्र शांत ध्वंस निर्माण मृत्यु जीवन आय व्यय ज्ञानी अज्ञानी समर्थन असमर्थन त्याग ग्रहण मित्र शत्रु ग्रामीण शहरी क्रय विक्रय आजादी गुलामी निरक्षर साक्षर दिवस रात्रि तरल ठोस। नंबर दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो आलसी कामचोर निकम्मा शिक्षक गुरु आचार्य राजा नृप भूपति धन संपत्ति दौलत कहानी वृत्तांत पुराकथा मूर्ख नासमझ बुद्धिहीन तरकीब उपाय उपाय युक्ति या उक्ति प्रसन्न आनंद हर्ष। आशा राखिछোঁ আজিৰ ভিডিঅ' পঞ্চতন্ত্ৰ পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি। নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিবা। আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই ধন্যবাদ।